संगीता पिला रही है हेजल को दूध विद द व्यू। हाय गाइस, तो आज है डे 4 और हम लोग आए हुए हैं एक बहुत ही बढ़िया व्यू पॉइंट पे, द समिट। और ये यहाँ का टॉप रेटेड व्यू पॉइंट है। अगर आप कभी भी न्यूयॉर्क आते हो तो यहाँ पे प्लीज़ पक्का आइएगा। अभी जस्ट हम एंट्री कर रहे हैं और ये भीड़ देख लो, और ये भीड़ देख लो। हेजल इज स्लीपी बट उसको नींद नहीं आ रही है। इतने सारे लोगों को देख के शी इज एक्साइटेड, लोगों को देख के वो एक्साइट हो रही है बहुत। बट आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, वर्किंग डे है आज, बट फिर भी क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। तो आगे चलते हैं और आपको आज दिखाते हैं पूरा का पूरा द समिट। ओ यस, बिकॉज ऑफ द फ्लोर। आधे घंटे के वेट करने के बाद हमारा अंदर फाइनली नंबर आया। हाँ। और अब हम लेट आए, जबकि हम लोग लेट आए हैं। हमारा 11:30 का था, हम ऑलमोस्ट 12 बजे पहुंचे। हाँ, बट देखते क्यों फटाफट आगे बढ़ रही है अभी, तो देखते हैं। एक बार चले जाएंगे तो फटाफट। आप लोग अगर यहाँ पे डायरेक्टली वॉक इन करना चाहते हो तो यहाँ पर भी आपको टिकट मिल जाएगी। यहाँ पे अलग अलग काउंटर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे प्राइजेस हैं। तो अगर आप प्राइजेस देखोगे तो ये सब प्राइजेस लिखे हुए हैं। अडल्ट का है 48, हमने भी 48 में लिया है। और अलग अलग टाइमिंग का अलग अलग प्राइस है। जैसे कि अगर आप दिन को आ रहे हो, आप सुबह को आ रहे हो, आप सनसेट के टाइम पे आ रहे हो, तो सबका अलग अलग प्राइस है। यहाँ पे पूरी आपकी चेकिंग होगी, तो कृपया करके कुछ ऐसी पदार्थ ना लेके आएँ जिससे आपको दिक्कत हो। बट पूरा चेक होगा और उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। तो अगर आप भी इस लोकेशन पे आओगे तो आपको ये ब्लैक कलर के शूज़ कवर्स मिलेंगे, जो कि आई थिंक पॉलिथिन के हैं या कपड़े के हैं, आई विल सी। और वो आपको शूज़ पे लगाना है ताकि इनके फ्लोर ख़राब ना हो जाए। नहीं, ऊपर पूरा कांच का है ना, ऊपर पूरा कांच का है तो कुछ निशान वगैरह ना हो, तो उसके लिए है। और आपको वो ग्लासेस भी मिलेंगे, इफ देयर इज सनलाइट आप वो भी पहन सकते हो। तो हमें मिले हैं ये वाले गरीबों वाली चीज़। ये पन्नी है, एक पॉलिथिन है जो आपको मिलेगी, जो संगीता भी पहन रही है। शूज़ आर कवर्ड। चलो, मेरे
हैं तो शूज़ भी बहुत नए हैं, कल ही लिए हैं, तो अच्छा है कि बचा के रखें। तुम तो ये शू लेकर ही घूमो, बेचारे डबलिन ले चलेंगे, हमारे पानी बहुत गिरता है ना। हाँ, शूज बचे रहेंगे। सो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और बहुत ही सनी वेदर है तो आप ये ग्लासेस ले सकते हो, तो हम लोग ले लेंगे दो, एक आपका और एक मेरा। और इसका हम दिखाते हैं, संगीता ने पहन ली है ग्लासेस और मैं भी पहन लेता हूँ। कैसे लग रहे संगीता? Nice. घर ले चले क्या? काफी भीड़ है बट लेट्स सी, अभी के लिए उतार देते हैं और जो रेगुलर वाले हैं वो पहन लेते हैं। चलते हैं आगे, और भी बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं। तो ये एक एंट्री का इनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो जो आवाज़ आ रही है और जो लाइट्स आ रही है, तो इट्स जस्ट एंट्री पॉइंट। Amazing experience. Yeah, मुझे लग रहा था, पता है अंधेरे में डर है ना। She was good. Hi. बहुत ज्यादा ही धूप है भाई। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, यहाँ की बहुत फेमस बिल्डिंग है।
बट 1 degree 3 degree यार ऑलमोस्ट। 3 degree में भी इतना गर्म है, तो सोचो कि अगर हम लोग 15-20 degree में आए होते तो कितना गर्म होता। सो हम लोग आए हैं समिट में और आज का वेदर जो था बाहर तो बहुत ठंड है, बट अंदर क्योंकि हम लोग बहुत ऊपर है और सारे ग्लासेस हैं, रिफ्लेक्ट हो रहा है सब कुछ, तो उस चक्कर में ये काफ़ी जो है मतलब बोल सकते कि गर्म हो गया है। और ये जैकेट्स वगैरह भी बहुत गर्मी कर रहे हैं। हम लोग हेजल को स्वेटर वगैरह पहना के आए थे बट उसको भी बहुत गर्मी लग रही है, तो उसके भी स्वेटर हमने उतारे। बट व्यूज़ काफ़ी अमेजिंग है, अगर आप आते हो सनी डे है तो बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही भीड़ होगी, तो उस हिसाब से कपड़े पहन के आइए, नहीं तो फिर कपड़े कहीं ना कहीं निकाल के साइड में रखना पड़ेगा। जैसे संगीता है हमारी बग्गी में, उस संगीता ने रख रखा है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है संगीता, और संगीता की बग्गी में सारे कपड़े पड़े हुए हैं। हाँ, हेजल के भी सारे कपड़े उतारने पड़े और वो बहुत चिढ़ रही है। अभी थोड़ी ठीक है बट लाइक पहले इनिशियली बहुत चिढ़ रही थी जब तक हमने उसके कपड़े नहीं उतारे थे। बट मज़ा आ रहा है काफ़ी, और यहाँ पे टाइम लेके आओ अगर कभी भी आ रहे हो, तो यहाँ पे टाइम चाहिए तो ही मज़ा आएगा। आप देख रहे हो मेरे पूरे साइड पे सब जगह पे प्रॉपर धूप लग रही है, प्रॉपर रिफ्लेक्शन है, बट मज़ा आ रहा है। तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट चीज़ दिखाते हैं इसके बाद क्या है, इसके इसमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं 3 level के, तो वो देखेंगे। तो ये एक और रूम है जहाँ पे बलून्स होते हैं, और ये बलून से तुम्हें एक दूसरे को मारना नहीं है ऐसा लिखा है। ओ ये रूम भरा हुआ है पूरे सिल्वर बलून से। जी छोटे बच्चों को इतना मजा आ रहा है, उसको देख कितना मजा आ रहा है, ओए सो रही है वो। सो ये एक और फ्लोर है जिसका सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, सिमिलर व्यू है, बट इट्स जस्ट कि थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है। बट मैं आपको पूरा जो 92 फ्लोर है उसका मैं आपको दिखाऊंगा। जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो था 91 फ्लोर, अब ये है 92 फ्लोर, और उसके ऊपर जाएंगे हम बार में और रेस्टोरेंट्स में, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ खाएंगे क्योंकि भूख भी लग रही है, और एक ड्रिंक वगैरह देखेंगे अगर पॉसिबल हो सकता है तो वो भी लेंगे। तो ये वाला जो है 92 फ्लोर है ये मैं आपको दिखाया था। बेसिकली हम लोग यहाँ पे खड़े थे नीचे और अब हम ऊपर हैं, और यहाँ पे भी आप देखोगे नीचे आपको लोग दिखेंगे, और ये आप देखोगे ये पूरा ग्लास है।
यही सिमिलर काइंड ऑफ व्यूज है हर जगह पे, हर खिड़की से आपको दिखेंगे जो भी आपको देखना हो। सो फाइनली हमारा टूर ऑलमोस्ट एंड होने आया है, बट ऊपर का बार और रेस्टोरेंट दिखाते हैं। ये है इनका बार और रेस्टोरेंट जहाँ पे अलग अलग तरह की कॉकटेल्स मिल जाएगी। पैशन फ्रूट है, सनसेट मार्गरिटा है और बाकी विस्की है, बियर्स है, कॉफ़ी है, पिज़्ज़ा है। सो ये है इनका मेन्यू और संगीता पिला रही है हेज़ल को दूध विद द व्यू। एकदम बढ़िया वाला व्यू है ये तो, और साथ में हमारी ड्रिंक्स वगैरह भी आ गई है। तो हमने ऑर्डर करी है 2 ड्रिंक्स और साथ में थोड़ा सा चखना या खाने के लिए। तो संगीता अच्छा चिंगम है, ये है कुछ क्लाउड 9 की कुछ फेमस ड्रिंक है जो संगीता ने बोला था ये मेरे को चाहिए, और एक मेरी ड्रिंक है जो कि कॉकटेल है, तो विल ट्राई दैट। बट काफ़ी भीड़ है जैसे कि आप देख रहे हो, काफ़ी भीड़ है और हमको लकीली चेयर्स मिल गई और हम लोग यहाँ पे सेटल हो गए हैं। अब एक बार हेज़ल दूध पी ले तो फिर हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। हेज़ल सो गई। ये इनका वॉशरूम है यहाँ पे, क्योंकि ये 92 फ्लोर पे है तो आप इमेजिन कर रहे होंगे कि ये भी एकदम बहुत ही मस्त बना हुआ है, और इसके भी यही व्यूज हैं। Thank you for visiting Summit. Please exit to your right.